chief guest of today, Shri Professor S. Parasuraman Sir, Director, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Guest of honor, ma'am, Bhakti Sharma, ma'am, Sarpanch, Barkhedi Abdullah, Bhopal. Our parents, distinguished guests, principal of this school, Pankaj Sharma, ma'am, Dubey Sir, Pavan, other principals, Jayashree, ma'am, Madhubala, ma'am, other principals, other faculty members, all teachers, all staff, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आप लोग आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी मेरी गारंटी है। अभी देखा ही आपने फर्स्ट प्रोग्राम हमारा कितना अच्छा हुआ, बच्चों ने कितना अच्छा करा, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे एस परशुरामन सर का, जो मुंबई से इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली आए हैं। उनको हालांकि आज अहमदाबाद जाना था, अहमदाबाद जाके नहीं, हमारे यहाँ आए। सर बहुत होशियार आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे लाइफ में मैं ऐसे आदमी से आज पहली बार मिला हूँ। मतलब हम लोगों ने हमेशा साइंस की पढ़ाई देखी है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई देखी है, सोशल साइंसेज की पढ़ाई नहीं देखी, और सोशल साइंसेज में भी खास करके भूगोल, ज्योग्राफी की पढ़ाई, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इसकी पढ़ाई नहीं, सर अच्छा इंसान बनाने की पढ़ाई करवाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सर जैसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे जो टाटा ने एस्टेब्लिश करा था, तो संसार में अच्छे इंसान की कमी हो जाएगी। सर अच्छे इंसान बनाने के लिए इंस्टीट्यूट चलाते हैं, प्रोफेसर उसमें पढ़ते हैं, बहुत सारी उनकी अच्छाइयाँ हैं। आप इनकी जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। और टाटास तो वैसे भी मेरा पर्सनली सोचना है, आज मैं हमारे प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा था कि टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, आलपिन से लेके हवाई जहाज तक, आँख मीच के खरीद लीजिए आप लोग भी प्लीज़। टाटा वाले बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब मैं तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ टाटा वालों से। मेरे को लगता है अगर टाटास की बात हमारे लीडर्स ने मानी होती तो आज हमारा हिंदुस्तान जहाँ खड़ा है इससे काफ़ी आगे होता। टाटास की जो विज़न था, जो देश को आगे बढ़ाने का विज़न था, उनका कोई भी आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए कहाँ खड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते। उनका सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए कंपैशन, प्रेम इतना ज़्यादा है जिसकी हद नहीं। उसी का रिजल्ट है कि वे रिस्पेक्ट टाटा। टाटा एक मंदिर की तरह है हमारे हिंदुस्तान में, मैं तो यही बोलता हूँ। बहुत ही बढ़िया, खुशी की बात है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि टाटास ने हमारे यहाँ पे बिजनेस करा, हमारे को गाइड करा, हमारे लिए कुछ करा। और हमारी भक्ति शर्मा मैम जो सरपंच हैं वो आए हैं। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर प्रोग्राम एज गेस्ट ऑफ ऑनर। बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं, सरपंच बनी है, बाय चॉइस कोई सरपंच बने कितनी बड़ी बात है। मैं तो इनसे बोल रहा था मैम किसी दिन आइए हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों को गाइड करिए, हमारे टीचर्स को बताइए। बाय चॉइस अगर लोग लीडर बनने लगेंगे ना तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अभी जो प्रॉब्लम है हम भाई अभी फिर भी कम है। आज से 20 साल 30 साल पहले लीडर वो बनता था जो कुछ नहीं कर पाता था, वो हमारा लीडर बन जाता था, पान की दुकान पे खड़े खड़े लीडर बन जाते थे। तो ये बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे बाय दी वे पास्ट में हुआ जो अब नहीं है आज की तारीख में। अभी हमारे लीडर्स अच्छे आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बाय प्रोफेशन लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत क्लियर काम कर रहे हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि लीडर का हर 5 साल में फिर से एग्ज़ाम होती है। अगर सरकारी अफसरों के भी हर 5 साल में एग्ज़ाम होने लग जाए ना तो देश पता नहीं कहाँ चले जाएगा। बिल्कुल, अगर ये ब्यूरोक्रेट की भी एग्ज़ाम होने लगे ना हर 5 साल में, हालांकि इनकी भी आजकल बहुत मॉनिटरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है, इसीलिए आप देखो देश में बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। बस इस मौके पे एक दो बातें और करना चाहूँगा। हमारे बच्चों ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, आप देखना आपको खूब ही अच्छा लगेगा। मैं तो बैठे बैठे भी सोच रहा था इनकी ड्रेस डिज़ाइन करना, इनका प्रोग्राम प्लान करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 17वां साल है एनुअल डे का, हमारे तीनों स्कूल हैं, तीनों स्कूल एक दूसरे से छोटा मोटा कॉम्पिटिशन भी करते हैं कि हमारा एनुअल डे इससे अच्छा रहेगा, हमारा एनुअल डे इससे अच्छा रहेगा। मैं इनफैक्ट हमारे प्रिंसिपल्स को कल रिक्वेस्ट कर रहा था, मैम हम वी शुड नॉट कॉम्पीट, वी शुड कोऑपरेट। पता है मैं आज दिन में और सोच रहा था, जैसे हमारा ये करिकुलम होता है हम एक सा पढ़ाते हैं तीनों स्कूल में, क्यों नहीं हम एनुअल डे भी एक से करें, क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें कि एनुअल डे पे अननेसेसरी बहुत मेहनत करना पड़ती है। बेचारे प्रिंसिपल लोग ये एनुअल डे ख़त्म होगा अगले एनुअल डे का सोचना शुरू कर देंगे, टीचर्स लोग भी सोचना शुरू कर देते हैं।
और ऐसा मत समझना कि पढ़ाई से जरा सा भी कट करते हैं, पढ़ाई के लिए भी उतना ही सोचते हैं। मैंने कल भी बोला था, हमारे टीचर्स लोग 24/6 वर्क करते हैं, संडे के दिन मैं ही बोलता हूँ कि आराम करा करो। हमारा स्कूल 7:15 बजे से खुलता है और 4 बजे तक ये लोग खूब मेहनत करते हैं। हमारे प्रिंसिपल हैं, एकेडमी के जो एडमिन स्टाफ है, जो दोनों में काम करता है, एकेडमिक एडमिन भी, ऐसे प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, ये तो 5-5:30 बजे तक काम करते हैं। मैंने खुद एक नियम बनाया है कि 4 बजे तक आप लोग चले जाया करो, मगर मानते नहीं हैं, इतना काम करते। क्यों करते? क्योंकि इनको बच्चों के लिए काम करना अच्छा लगता है। और पेरेंट्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं कि हमारे टीचर्स की खूब बात मान रहे हैं। और टीचर्स, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उस कारण ये बच्चे लोग खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब सीख रहे हैं। आप देखिए, नहीं तो एनुअल डे पे जब हम छोटे थे, कोई इंटरेस्ट से नहीं करते थे, टीचर लोग भी कुछ नहीं समझते थे एनुअल डे को, बच्चे भी नहीं समझते थे, ऐसा लगता था तो टाइम पास टाइप का काम है, साल में एक बार करना है। हमने जब एनुअल डे शुरू करा था, हम तो एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे दोनों हर साल करते हैं, बहुत टायरिंग काम है, आप लोग ऐसा मत समझिए। उसके साथ ये लोग इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, साल भर इनकी एक्टिविटी चलती रहती है। अपन तो, आप लोगों को दिवाली और होली मनाने में ऐसा लगता है कि हम त्यौहार मनाते हैं, हमारे स्कूल वाले तो हर महीने कम से कम एक दिवाली होली जैसा त्यौहार मनाते हैं, साल में 12 त्यौहार पेरेंट मनाते हैं कि नहीं, आप बताइए। हैं, मैं चाहता हूँ हमारे टीचर्स के लिए आप लोग क्लैप करें, उनकी मेहनत के लिए क्लैप करें। रियली दे आर वर्किंग होल हार्टेडली एंड बीइंग वेरी हार्ड वर्क। हमारे जयश्री मैम देखिए कितना मेहनत करते हैं, उन्होंने स्कूल को कितना अच्छा बनाया। पंकज मैम ध्यान रख रहे हैं, जयश्री मैम गांधीनगर चले गए, वहाँ का खूब ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब टीचर्स लोग एक एक चीज़ फुल स्टॉप कॉमे का ध्यान रखते हैं, स्पेलिंग सिखाते, क्या नहीं सिखाते इन बच्चों को। उसी के कारण है कि हमारे 12वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और ये इंसान बहुत अच्छे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और ये बच्चे भाग्यशाली तो हैं क्योंकि कंप्यूटर एज में पैदा हुए हैं, कंप्यूटर एज के इनको बहुत फ़ायदे हैं। और एज पेरेंट आप लोग भी बहुत फ़ायदे में हैं। जो पेरेंट 50 साल से ऊपर है या 60 साल के ऊपर है, वो सोच सकते हैं कि आज से 30 साल पहले क्या लाइफ थी और आज क्या लाइफ है। लाइफ हैज़ चेंज अमेजिंगली। फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद आने के लिए और बच्चों का खूब अच्छे से उत्साहवर्धन करने के लिए। ईश्वर करे बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और हमारे चीफ गेस्ट साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम का खूब खूब धन्यवाद, और सब टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, सबका थैंक यू वेरी मच।